Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हेलो हेलो हाँ जी अमित जी जी बात कर रहा हूँ अमित राणा जी मैं आशीष बात कर रहा हूँ मोजो स्टोरी दिल्ली से मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो थोड़ा सा कुछ जाना था आपसे अभी आप लोगों का एक बयान आया है कि यू पीपल आर यू नो गोइंग फॉर अ मास माइग्रेशन फ्रॉम द वैली जी 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 सो तो सर इसमें कितने लोग आप लोग जा रहे हैं सर अभी तो अराउंड 40-50% लोग निकल गए हैं Like, क्योंकि 6% लोग if I'm not wrong, तो 6,000 लोग वहाँ पे काम करते हैं वैली में अराउंड 6,000 हाँ उनमें से आप 3,000 लोग तो निकल चुके हैं कम से कम 3,000 लोग ये कब निकले हैं और बाकी 3,000 लोगों को निकलने दिया नहीं जा रहा है आज जैसे कि मैंने वीडियोस भी अपलोड की है कि हमारे को रोका जा रहा है थ्रू आर्मी थ्रू पुलिस थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा मतलब 3,000 लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है नहीं निकलने दिया जा रहा है गाड़ियाँ लगा दी हैं आगे हमारे जो ट्रांजिट कैंप्स हैं उनके आगे बैरिकेड्स लगा दिए हैं तो ये बैरिकेड्स और ये कौन कौन सी जगहों पे लगाए हैं हाँ ये सर मटन में सॉरी कुपवाड़ा में मटन ट्रांजिट कैंप मटन MATTN मटन ट्रांजिट कैंप और कुपवाड़ा ट्रांजिट कैंप बीरवन ट्रांजिट कैंप कुपवाड़ा नुत्सुना ट्रांजिट कैंप कुपवाड़ा और शेखपुरा ट्रांजिट कैंप श्रीनगर लगा दी है आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है अच्छा जो लोग निकल चुके हैं जो आप कह रहे हैं 3,000 लोग पहले निकल चुके हैं तो ये मतलब ये कब ये लोग कब निकले ये मॉर्निंग में निकल गए आज मॉर्निंग में करीब निकल गए जी अच्छा तो इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सॉरी क्या बोल रहे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अपनी गाड़ियाँ थी उनमें निकल गए जो वगैरह मिली है जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो वहाँ उससे निकल गए तो आप लोगों ने भी कुछ मुहैया करवाया था ट्रांसपोर्ट मुंगिया तो सर हर किसी ने अपना अरेंज किया हुआ है जो बंदा यहाँ पे फियर साइकोसिस में जी रहा था हर किसी ने अपना अपना वो किया हुआ निकल गए अच्छा मैं सर ये पूछ रहा हूँ आपसे जो यहाँ पे किलिंग्स हो रही हैं वो नॉन मुस्लिम्स की हो रही हैं और कुछ पीछे एक दो मुस्लिम को भी यू नो टारगेट किया गया तो मुझे आप ये बताइए कि कश्मीरी पंडित और नॉन कश्मीरी पंडित भी हैं यानी कि हिंदू नॉन You know? जी जी जो PM पैकेज इसमें सर अभी जो डिवीजन है वो डिवीजन है PM पैकेज एंड जो नॉन PM पैकेज है जो दोनों बिलोंग करते हैं हिंदू माइनॉरिटी से हाँ सो जो नॉन कश्मीरी पंडित माइनॉरिटीज हैं क्या वो भी आप लोगों के साथ हैं वो तो बहुत कम नंबर में है दे आर नॉट इन मच नंबर बहुत कम नंबर में है लेकिन जैसे हमारे आज एक भाई राजीव जी की जैसे हत्या की गई उसके बाद वो भी हमारे साथ खड़े हो गए और वो भी पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा वो भी मतलब अभी वो रेडी नहीं हुए हैं जी 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 ओके ठीक तो आप क्या कन्विंस कर रहे हैं उन लोगों को वैली छोड़ने के लिए सॉरी सर क्या बोल रहे हैं वो लोग आप क्या उनको कन्विंस कर रहे हैं वैली छोड़ने के लिए जी जी वो कन्वे कर रहे हैं हाँ वो हमारे से कोलैबोरेशन में है वो कन्वे कर रहे हैं हमारे को नहीं आप कन्विंस कर रहे हैं सर मुझे समझ नहीं आ रहा उनको 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 आप कन्विंस कर पा रहे हैं वैली छोड़ने के लिए सर कन्विंस है वो तो खुद ही तैयार है हमें कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है एवरी माइनॉरिटी इज ऑन द गनशॉट ऑन द टारगेट ऑफ गनशॉट एवरी एम्प्लॉय एवरी माइनॉरिटी इन कश्मीर अच्छा तो आपकी डीसी साहब से बात हुई है वी आर अफ्रेड ऑफ आवर शैडोज नाउ ये हालत है कश्मीर के ओके एंड द थर्ड वन इज कि आपकी क्या डीसी साहब से बात हुई है डीसी साहब आए थे हर किसी के अपने आए हैं लेकिन वो यही बोल रहे हैं कि आप पलायन मत कीजिए लेकिन कोई सिक्योरिटी का कोई आश्वासन तो दे नहीं रहे हैं अच्छा सिक्योरिटी का आश्वासन नहीं दे रहे हैं नहीं दे रहे कुछ भी हाँ वो ही जस्ट होस्टेज बना के रखा हुआ है हमारे को हर किसी ट्रांजिट कैंप तो उनका रिस्पॉन्स क्या था ओरिजिनली मतलब एग्जैक्ट रिस्पॉन्स डीसी का तो कुछ भी नहीं है दे आर एडमिनिस्ट्रेटर्स तो उनके हाथ में तो ज्यादा कुछ है नहीं नहीं फिर भी जो आप लोगों से मिले क्या रिस्पांस दिखा आपको जी जी क्या बोले रिस्पांस क्या दिखा आपको डीसी साहब का
उनका रेस्पॉन्स यही है कि उनको ऊपर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि इनको बाहर ना निकलने दिया जाए, इनको पलायन के लिए रोका जाए, और वो वही कर रहे हैं। ठीक है सर, फाइन, थैंक यू। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.